दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो बस लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर मैं तुलसी भारद्वाज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने एक बिल्कुल ही यूनिक आइडिया पर काम किया, उसे आगे बढ़ाया और इतना ही नहीं अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर संदीप जैन सर, जो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन बिजनेस भी कर सकता है। जी, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने बिजनेस को सिर्फ शुरू ही नहीं किया, आगे भी बढ़ाया और इतना ही नहीं आज उनका बिजनेस पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से संघर्ष आते हैं और उन्हीं संघर्षों को पार करके हमें हमें उन चुनौतियों को पार करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। तो सर की लाइफ में भी बहुत सी चुनौतियां आई, बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन सर ने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को एक नया मुकाम और एक बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो आज हम सर से ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया और आज उनका बिजनेस इतनी ऊंचाइयों पर है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर। वेलकम मिस्टर संदीप जैन सर। नमस्कार, और सभी संगठन के भाइयों बहनों को बहुत भाइयों बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत करके इंटरनेशनल चैनल चला रहे हैं और इंटरनेशनल संगठन भी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से। और आपकी योजना तो भविष्य में वेबिनार करने की भी है, ये भी मुझे पता है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर, हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या स्टडी की हुई है, क्या पढ़ी। अच्छा, मैं संदीप वी जैन सूरत गुजरात से हूँ मैं, और मैंने 1 से 7 तक सूरत ब्लाइंड स्कूल में स्टडी की थी। उसके बाद 8वीं कक्षा से तो 12वीं तक ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अहमदाबाद, वहाँ पे एजुकेशन लिया था। और उसके बाद फिर वापस सूरत में आकर MTB आर्ट्स कॉलेज में BA तक का अभ्यास किया। ओके, ग्रेट। तो सर, हमने जैसे सुना है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो सर अपने बिजनेस के बारे में हमें बताइए। अभी 1998 में मेरा BA पूरा हो गया था और BEd में जाने की तैयारी थी, लेकिन STDPCO आए और मुझे भी एक सूरत बस स्टैंड के अंदर STDPCO मिला और मैंने देखा था कि इसमें आमदनी काफ़ी है, तो फिर मुझे लगा कि भाई नौकरी करने से क्या फ़ायदा, यही करना चाहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे, कभी भी आओ कभी भी जाओ, नौकरी में क्या है कि हमें टाइम से आना जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने BEd नहीं किया, लेकिन उसके बाद STDPCO मैंने चालू किया और करीबन 2007 तक तो STDPCO अच्छी तरीके से चला, लेकिन टेलीफोन फोन में क्रांति आई और क्रांति के कारण फिर मेरा बिजनेस थोड़ा ठप हुआ। और मोबाइल आ गए, आपको तो पता ही है कि मोबाइल की बोलबाला काफ़ी है, तो फिर मुझे 2007 से संघर्ष मेरा चालू हुआ। उसके बाद मैं यहाँ नड़ियाद गुजरात में है जहाँ पापड़ बनते हैं, उड़ीद के पापड़ आप जानते होंगे शायद जी। तो वो 5 किलो पापड़ मैंने लिए और यहाँ सूरत में मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक तो मेरी हम कहते हैं ना कि खाता भी नहीं खुला, यानी बोहनी भी नहीं हुई। फिर तीसरे दिन से 1
पैकेट बिका बिका मैंने, फिर उसके बाद दो तीन पैकेट बिके, ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैं मेरे बिजनेस में आगे बढ़ता गया। उसके बाद मैं ट्रेन में मेरा बिजनेस मैंने चालू किया। मैंने बोला यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, और ट्रेन में क्या है कि मेरे जो रिश्तेदार है वो मुझे जाने नहीं देते, इसीलिए मैंने एक आइडिया की कि मैंने उनको कहा कि भाई 100 पैकेट मुझे नान खटाई चाहिए, किसी को देना है। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे चाचा थे, वो बोले ठीक है हम बना देते हैं आपको 10-10 वाले पैकेट। फिर 10-10 वाले पैकेट बनाकर मैं ट्रेन में बेचने गया, और पहले ही दिन मैंने 70 पैकेट बेचे, यानी 700 रुपये का बिजनेस मैंने पहले दिन किया। और उनको जाकर बोला कि मैंने, मुझे किसी को देना नहीं था लेकिन मैंने ये काम किया, तो वो भी खुश हो गए और फिर आगे ज्यादातर सपोर्ट करने लगे। ओके तो सर, जैसे आपने बताया कि आपको मतलब स्टार्टिंग में आपने स्टूडियो पीसी से स्टार्ट किया, तो सर उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसे प्रेरणा मिली, होता है कि हमें किसी ना किसी से प्रेरणा मिलती है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको बिजनेस करना है, या आपकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन हो? मेरे पिताजी का जो कपड़े की छोटी केबिन थी, और मेरे भाई जो है, मेरा भाई है, उसकी फुटवेयर की दुकान है, तो उसके ऊपर से मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है कि हमारे खानदान में बिजनेस ही लिखा हो। तो ये सोचकर मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते ही गया, और मुझे सफलता निष्फलता मिलती भी गई और सफलता भी मिली। जी, तो सर जैसे होता है कि जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, तो मतलब आपने कहाँ से कुछ आइडिया लिया कि कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और ये कैसे सोचा आपने कि मतलब मुझे ये जो पापड़ और ये सब खाने की चीजें उनसे शुरू करना चाहिए? मैं आचार्य रजनीश को सुनता हूँ, और आचार्य रजनीश ऐसा कहते कि कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, और जब हमें लगे कि टेंशन है हमारे पास तो बिल्कुल स्थिर बैठे रहना चाहिए, कुछ बिल्कुल शून्य सोचने का भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचने का। तो हमें ऑटोमेटिक कुछ भी अच्छे विचार आएंगे, और आए, और मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और इस पे भी मैं आगे बढ़ूंगा ऐसा। ओके, ग्रेट। तो सर जैसे होता है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं कि आपने क्यों मतलब ये स्टार्ट किया, नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो सारी बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी, तो उन सब से आपने कैसे मतलब अपने आप को बाहर निकाला और आगे बढ़े? इसकी शुरुआत रिश्तेदार और समाज से होती है पहले। तो पहले मुझे रिश्तेदार और समाज में ऐसे ही मिले कि अब तो एसटीडी बंद हो गया, अब क्या करेगा, अब तेरा तेरा सब काम खत्म। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ उत्तर नहीं दिया, और मैंने मेरा काम चालू रखा। लेकिन एक बात ये थी कि जो नेगेटिव बातें करते थे उनके पास मैं ज़्यादा नहीं जाता था, और जो पॉजिटिव करते थे, जो मुझे सपोर्ट करते थे, उनके पास मैं ज़्यादा जाता था। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं भाई, नेगेटिव वालों के पास भी जाते हैं, भाई आज मेरा काम कर देगा, कल कर देगा। लेकिन मैंने, मेरे मन में ये तय कर लिया था कि नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, और पैसे भी नहीं मांगना है उनसे। और मैंने मेरा बिजनेस मेरे हिम्मत से चालू किया है। जी, तो सर आपके बिजनेस को कितना टाइम हो गया मतलब स्टार्ट हुए? अब मेरे बिजनेस को करीबन 16 साल हो गए। ओके, तो सर जैसे होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं हमें बहुत सारे मतलब लेन देन करना होता है करेंसी को लेकर, तो उसमें भी विजुअली इंपेयर्ड बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया? 2015 तक तो बहुत ही कम प्रॉब्लम आते थे, लेकिन जब मोदी साहब
और आरबीआई ने जब नई करेंसी 2015 में आई तो थोड़े दिन तो दिक्कत होने लगी, लेकिन उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन मिली कैश रीडर नाम की, जो आप तुरंत ही वो कैमरा के पास आप रखो और तुरंत ही वो नोट के स्कैन करो, तुरंत ही वो बोल देती है कि 500 इंडियन रुपीस से 200 इंडियन रुपीस जो भी है वो तुरंत बोल देती है वो। इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे कुछ कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको बताऊं कि ये चीज होने के बावजूद मेरे पास एक दो कस्टमर ऐसे आए थे कि मुझे बोले भाई 5 किलो खाखरा निकालो। मैंने बोला चलो आज तक कोई बड़ा ग्राहक आ गया, मैंने तो उसको फटाफट निकाल के दे दिया। फिर मुझे उसने बोला कितना, मैंने बोला 1,000 रुपया हुआ भाई, 100-200 रुपये किलो खाखरा है हमारे यहाँ। पर ठीक है बोले, उसने मुझे दो नोट दिए, बोले 500-500 के नोट। तो मैंने हाथ में पकड़ते ही बोला कि ये नोट नहीं है। नहीं नहीं बोले नई नोट है, ऐसा वैसा उसने बोला। मैंने बोला ठीक है भाई चलो। फिर उसको कैश रीडर का यूज़ किया, स्कैन किया तो टॉकिंग नहीं किया उसने, फिर उल्टा करके भी स्कैन किया तब भी उसने टॉकिंग नहीं किया। फिर मैंने बोला भाई ये नोट नहीं है, ये बात तो फाइनल है। और एक मोबाइल वाले की शॉप है उसको बुलाया, मैंने बोला भाई ये भाई बोल रहे कि 500-500 की दो नोट है, तब मैं क्या करूँ, इसमें तो बताता नहीं है मेरी एप्लीकेशन में। तब तो उसने बोला कि काका ये तो बच्चों का पैसा है। अच्छा तो ऐसे हाँ भी लोग जी आते हैं, आए हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे होता है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि बीइंग अ विजुअल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इनको कुछ नहीं पता चलेगा कि हम क्या कुछ भी लेकर जाए। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस आपको मिले जिनसे आपको लगा कि बिजनेस में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो उन एक्सपीरियंसेस से? एक बार ऐसा हुआ कि मेरा कुछ चैनल वाले इंटरव्यू करने आए थे, तो उसमें से एक रेडियो मिर्ची आपने सुना होगा, हाँ सर सूरत रेडियो मिर्ची, आपके यहाँ भी आता होगा एफएम रेडियो मिर्ची। जी। तो वो मुझे मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे थे, यानी बिल्कुल नज़दीक में आ गए थे। तब एक भाई 2 किलो पापड़ लेके चला गया, उन्होंने देखा लेकिन उनको ऐसा लगा कि पैसा दिया होगा। तो मैंने बोला इधर पापड़ रखे थे, तो वो बोले मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ, मैंने देखा सही वो कोई गया, मुझे लगा आपको पेमेंट कर दिया होगा। मैंने बोला नहीं किया, तो बोले ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू तो लिया लेकिन ये भी चीज़ उन्होंने रेडियो मिर्ची पर प्रसारित कर दी दूसरे दिन, कि ऐसे लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते कुछ लोग। तो तीसरे दिन एक दूसरा भाई आया, तो बोले आपका रेडियो मिर्ची पर इंटरव्यू आया। मैंने बोला हाँ सही है आए थे। बोले आपका पापड़ भी कोई चुरा के लेके गया 2 किलो। मैंने बोला वो भी ठीक है। तो मैंने बोला वो आपको कैसे मालूम, तो बोले रेडियो मिर्ची पर ही बोला और मैं ये पैसे देने आया हूँ। तो मैंने बोला भाई आप लेके गए थे? तो नहीं नहीं बोले मैं नहीं लेके गया था। मैं नहीं लेके गया था लेकिन मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ लोग ऐसा चुरा के लेके जाते हैं, तो मुझे दे देना, मुझे देना चाहिए, मुझे अच्छा काम करना चाहिए, उसके बदले में मैंने ये पैसे आपको दिए हैं और मुझे 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 पुण्य भी मिलेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। जी। तो ऐसे भी तो लोग सर रहते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो सर मतलब आप जैसे आप बता रहे हो कि इंटरव्यू लेने आए, तो काफी जगह मतलब आपका बिजनेस जो है वो बहुत जगह पहुंच चुका है इंडिया में। तो कहाँ कहाँ से मतलब आपको डिमांड्स आती हैं और कैसे आपने मतलब लोगों की डिमांड को कैसे समझा कि उनको क्या चाहिए? अब मैं क्या है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैं मेरी जो नई चीज़ कोई भी मैं लाता हूँ, अभी समझ लो कि भाई चटनी है कि कोई भाकरवड़ी आई है, तो वो फेसबुक पे रखता हूँ। तो लोकल लोग तो वहाँ पर आके लेके जाते हैं, और जो दूर वाले रहते हैं समझो ज़्यादातर मुंबई वाले जो है वो कॉल करके मंगाते हैं कि मुझे आइटम भेज दीजिए। तो
तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं भेज देता हूँ आपको, आप मुझे गूगल पे कर दो कुरियर चार्ज के साथ में, और वो कर भी देते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि लोग दूर दूर से आपसे मतलब मंगवाते हैं चीजें, तो मेरे मन में एक ये क्वेश्चन आया कि स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं तो उसका दायरा बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें उसको बढ़ाना पड़ता है, लोगों का ट्रस्ट हमें मतलब लेना पड़ता है उनको ट्रस्ट में, तो वो आपने कैसे किया, लोगों का विश्वास आपके बिजनेस में कैसे आया और लोग आपके साथ जुड़ते चले गए? मैं कोई भी चीज लाता हूँ ना, अभी जिसको ट्रस्ट नहीं है तो वो पूछेगा कि भाई अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो लोगों को मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई एक काम करो कि खाखरा का आधा किलो का पैकेट है ये आप खाओ, कल पैसे दे के जाना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा, वो आपका टेस्ट बोलेगा ठीक है या नहीं ठीक है, आप कल पैसे देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगेगा तो देना, नहीं अच्छा लगे तो मत आना। फिर ऐसे विश्वास बढ़ते गया और वो जो लोग मुझे पूछते थे कि अच्छा आएगा बुरा आएगा कैसा आएगा, वही लोग दूसरे कस्टमर को भी भेजते हैं तो यहाँ अच्छा जैसे मिलेगा। तो जैसे हम सबको ये पता है कि कोविड आया था जब, तो मतलब पूरे इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई, ऑलमोस्ट सबको ही आई, तो उस टाइम पर आपका बिजनेस कैसे आपने उसे हैंडल किया और उस टाइम पर भी आपकी हिम्मत बनी रही? मैं हर हमेशा बीबीसी न्यूज सुनता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ, और मुझे पता था कि चीन में, चाइना में और भी कोई कुछ देशों में लॉकडाउन लगा है, तो संभव है कि भारत में भी लगेगा। और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हुआ तब तक पक्का विश्वास हो गया, तब से मैंने मेरा कुछ मैनेजमेंट कर लिया था पैसे का वगैरह कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा। और यहाँ के जो लोकल ब्लाइंड शिक्षक है और कुछ ब्लाइंड व्यक्ति बैंक में काम करते हैं, वो लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, आर्थिक सपोर्ट काफी किया उन्होंने हमें, उन्होंने गूगल पे से वगैरह पैसे भेजे दूर से। मतलब आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जैसे कुछ आपको वैसे कम ही टाइम मिलता होगा फ्री, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि फ्री टाइम में मतलब आपकी क्या हॉबीज है, कि आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं यूट्यूब पे अच्छे अच्छे जो स्पीच जो देते हैं मोटिवेशन स्पीच वगैरह, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं आचार्य रजनीश है, फिर गुजराती में जय वसावड़ा है, फिर कुछ लोगों का ये सुरेंद्र शर्मा जैसे लोगों का मैं कवि सम्मेलन भी सुन लेता हूँ कभी कभी, यानी इस तरीके से टाइम पास करते। फिर बच्चों के साथ कुछ बातचीत कर लेते हैं, ऐसा टाइम पास कर लेता हूँ। तो सर मतलब आपके कोई ऐसे इंस्पिरेशन हो जिनको देखकर आपको लगता है कि आपका ये बिजनेस, मतलब उसमें आपको आइडिया मिला हो कि हाँ मुझे ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो बिजनेस ऐसी चीज है कि इसमें कभी कभी तकलीफ भी आती है। अभी मैं मेरी ही बात करूं कि जब मैं ट्रेन में बेच रहा था, एक बार मैं वलसाड़ से पापड़ लिए, करीबन 20 किलो पापड़ मेरे हाथ में थे और मुझे पता नहीं था, और मैं नीचे ट्रैक में गिरा नीचे, और पीछे से कर्णावती बिल्कुल नज़दीक में थी, और दो तीन आदमियों ने मुझे फटाफट उठाया, माल को रहने दे, बोले पहले आप उठ जाओ, बोले फटाफट। और जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे मुझे उन्होंने चढ़ाया, फट करके कर्णावती एक्सप्रेस आई, यानी केवल मैं बोलू ना दो तीन मिनट का फर्क रह गया होगा, किताब में आपके सामने नहीं होता इंटरव्यू के लिए। यानी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आए तो भी मैंने मेरा काम चालू रखा। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई मैं बोला भी चलो ट्रेन का छोड़ो, अब मुंबई मलाड़ में जाऊँ, तो मैं मुंबई मलाड़ के ब्रिज पे भी मैंने धंधा किया, बोरीवली ब्रिज पे भी धंधा किया, फिर अब मैं यहाँ सूरत की सेंट जेवियर स्कूल घोड़दौड़ रोड सूरत पे है, वहाँ उस गेट पर मैं स्टॉल लगा के बैठता हूँ, करीबन उसको भी 7 साल जैसा हो गया, लेकिन वहाँ पे मुझे काफी अच्छा सपोर्ट है।
ओके सर, आपका जो ये जज्बा है, ये जो जुनून है, उसको देख के मुझे कुछ तो मतलब पंखे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलनी चाहिए। तो निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो सर बहुत आपकी मतलब ग्रेट स्टोरी है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जगह जगह तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग उसे जाने, तो उसके लिए आपने क्या क्या कोशिशें की? अभी हर जगह पे पहुंचाने के लिए तो एक ऑनलाइन माध्यम ही है। मैं पहले भी आपको बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका अभी समझ लो कि कोई भले बोले कि भाई क्यों बार बार रख रहा है, क्यों बार बार आप ये एक ही चीज रखते हो, लेकिन रखते ही जाने का। अभी क्रिकेट में क्या होता है कि कोई आक्रामक प्लेयर होता है, वो कब तक डिफेंस खेलेगा? एक सभी हम सभी गेंद खराब डालेंगे, 6 गेंद खराब डालेंगे तो एक गेंद तो वो मारेगा ही। तो बिल्कुल मैंने बोला भाई भले मेरा आपको खराब लग रहा है, लेकिन मैं रखते ही जाऊंगा, और एक न एक चीज रखते ही गया मैं, और एक दिन मुझे उसमें सफलता मिली। तो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा हार नहीं मानना चाहिए। सर। और आपको सुनकर तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी मोटिवेट रहना चाहिए। तो सर बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो सोचते होंगे कि हमें भी यूनिक आइडियाज पर काम करना है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि पहले तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हराने वाले जो रहते हैं वो परिवार से ही चालू होते हैं, जी और फिर समाज, और फिर हमारे नजदीक वाले लोग। 100 में से 2 आदमी ही मिलेंगे आपको कि जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन 98 तो ऐसा ही बोलेंगे कि क्या करना, क्योंकि मुझे भी ऐसे भी मुझे आदमी मिले थे कि भाई क्या कमाने जाना है, वो आप कमाने मत जाओ, ऐसा एक मेरा दोस्त मिला था। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ नहीं कमाने जाऊँ तो बोले मैं आपको अनाज पानी सब आपका मैं स्टोरेज कर दूंगा अपने घर, आपके घर में, और दूध सब्जी जो भी चाहिए वो मेरे पास पैसे ले जाना। मैंने बोला भाई ऐसा तो मुझे करना है तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, ये कब तक चलेगा? फिर हमारे बच्चे भी सीखेंगे, पूरी फैमिली ऐसा सीखेगी कि पप्पा तो ऐसा लाते थे तो फिर हमने क्या गुनाह किया। तो मैंने वो ठुकरा दी वो बात, और वो दोस्त मुझे वो बोलता है कि भाई तू तो बहुत आदमी खतरनाक निकला, और मेरे पास आता भी और चीज भी लेके जाता है सब कुछ, और सबको बोलता भी है कि यहाँ आकर लेके जाओ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी बिजनेस आए उस पर ही लगे रहो। आपके मन में आया कि भाई चलो कि मुझे फल फ्रूट बेचना है, तो फिर फल फ्रूट ही बेचो, फिर उसको बिजनेस को बदलो मत, बदलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी फिर। अभी क्या है आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो लारी वाले रहते हैं, तो समझ लो कि लारी वाले का धंधा नहीं होता है लारी वाले का, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा और आगे जाके खड़े रहते हैं, थोड़ा और आगे जाके खड़े रहते हैं, इसमें धंधा नहीं होता। एक ही जगह एक ही स्टैंड बनाना चाहिए कि यहाँ वो आदमी मिलेगा। अब मेरा जेवीएस स्टैंड है तो कोई भी आदमी फोन करता है तो बोलेगा भाई आप यहाँ आए नहीं, अब कब फोन करेगा आदमी यहाँ आए नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंड निश्चित है कि हम यहाँ ही बिल्कुल खड़े रहते हैं। इसीलिए हमारा कोई खड़े रहने का भी स्टैंड निश्चित होना चाहिए, और बिजनेस का भी स्टैंड निश्चित रहना चाहिए, और हमारे विचार भी निश्चित रहने चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लगा? आप लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट पाए, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? आपका चैनल नया नया है और काफी प्रगति पर है आपका चैनल, और बहुत खूबसूरत चैनल है और बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि मैं यहाँ सूरत NAB में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, यहाँ दैट्स ग्रेट। सूरत में। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए, कि आपके वेबिनार के लिए कुछ यहाँ पर करूँ, आज नहीं तो कल।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ जो भाई बहन हैं उनको भी कुछ आप नया सिखाएं और नया कुछ आप भी सीखें और आप ये लोगों को भी कुछ सिखाएं। श्योर सर, ये जरूर मेरा मानना है। जरूर सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर, आपकी इतनी प्रेरणादायक कहानी को जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यूअर्स हमें सुनेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे, और अब तक तो उनके मन में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे यूनिक आइडियाज आ चुके होंगे। मेरे पास तो मैडम बहुत पैसे रहते। आपको एक कहानी सुनाऊं जो सत्य कहानी है। जी जब मेरा एसटीडी पीसीओ था तब एक भाई कॉल करने आए मेरे यहाँ, और उनके पास एक बैग थी बड़ी। कॉल उन्होंने किया और उनकी बस आ गई, तो भाई भागते भागते चले गए। वहाँ पर बैग रह गया। तो हाँ मैंने देखा केबिन में, मेरी तो बड़ी केबिन रहती है, उसमें एक छोटी केबिन भी रहती है प्राइवेट बात करने के लिए, पहले रहती थी। तो वहाँ पर मैं क्या देखा था, बैग है। फिर हमारा कैंटीन वाले सेठ मेरे दोस्त, उनको मैंने बुलाया कि सेठ ऐसी ऐसी बात है। तो बोले दिखाओ क्या है। बोले उसमें तो बहुत सारे पैसे, तब तो 1000 की नोट थी, करीबन अभी क्या बोलूँ आपको, करोड़ के आसपास पैसे होंगे वो, तो इससे कम नहीं थे। और उसके बाद उसमें कागजात थे जमीन के, पूरे दस्तावेज था उसमें ओरिजिनल। वो भी तो सेठ बोले क्या करना है। मैंने बोला उसको फोन करना है। तो बोले ठीक है। तो अंदर से फोन नंबर निकाला बैग में से। अभी आप देखो ये टर्निंग पॉइंट बहुत खतरनाक है। ये बात में ऐसा नहीं है कि वो बैग किसका था क्या था आपको पता चले। देखो तो उसमें से नंबर निकाला, कॉल किया मैंने भाई को। मैंने बोला भाई आपका बैग यहाँ पे रह गया, आप कॉल करने आए थे यहाँ टेलीफोन करने। तो बोले मैं कहाँ आया, बोले आपके यहाँ मैं कोई टेलीफोन ओ करने नहीं आया हूँ। से बैग ओके आपके पास आया कैसे। मैंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आपका बैग है सुरक्षित है। तो बोले ठीक है। वो करीबन एक आध आधे घंटे में आए और मुझे बोला कि भाई ये बैग तो मेरा चोरी हो गया था बस में से। तो मैंने बोला तो वो फोन करने आया होगा, वो चोर होगा, ठीक है। तो बोले हाँ वो चोरी था। तो मैंने बोला अब ये बात सोचो कि मैंने मशीन में से फोन नंबर नहीं निकाला। जो मशीन में से फोन नंबर निकालता तो वो बैग चोर के हाथ में जाता वापस। लेकिन वहाँ टर्निंग पॉइंट था कि भाई देखो जिसका मेहनत का पैसा है कोई नहीं ले सकता है, इस बात पे से हमें पता चला है। क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने बुद्धि दिया तब मैंने अंदर से लिया ना वो फोन नंबर उसका, और है ना, ये ऐसा भी हुआ एक था। जी, और ये एक सच्चे एक बिजनेस मैन की भी पहचान है सर, कि आपने माइंड से काम लिया और उनके और बैग उसका देखो से निकाला। उसका परिणाम भी आपको मैं बताता हूँ। एक बार मैं हमारा बस स्टैंड से मैं स्टेशन की तरफ बस में जा रहा था, रिक्शा में जा रहा था। तो रिक्शा में दूसरे दो आदमी बैठे, शीतल टॉकीज करके स्टॉप था पहले, अभी वो शीतल टॉकीज टूट गई। वहाँ से दो आदमी बैठे। तो मुझे क्या पता नींद आ गई थोड़ी ऐसा स्टेशन आते आते। तो मुझे उसने घड़ी में टाइम पूछा क्या टाइम हुआ। तब मेरी ब्रेल की घड़ी थी मेरे पास, वो SMT चलती थी पहले, वो टाइपन तो अभी आई। तो मैंने बोला 7:30 जैसे 7:30 बज गए। मैंने बोला तो बोले आपको दिखता नहीं। मैंने बोला नहीं दिखता। तो बोले हमने आपके खिसे में से पैसे निकाल लिए हैं। बोले तो अभी करीबन मेरे खिसे में करीबन 800-900 रुपए थे। तो उसने मुझे वापस किया और मुझे ऐसा बताया कि खिसे पर हाथ रखना, और ये शीतल टॉकी से हम जो बैठते हैं ना, करीबन 150 पाकिट मारने वाले यहाँ पे से बैठते हैं। बोले हमारा 150 लोगों का ग्रुप है, पूरा संगठन है, तो सभी हमारे जैसे नहीं होंगे। तो वो पैसे वापस देने पाकिट मार का भी अनुभव मुझे हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। ऐसी बात है। सही बात है, किसी ने सही कहा, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है समय समय पर, तो बहुत हाँ, लेकिन सारे एक्सपीरियंस। हम किसी का ले लेते हैं तो उसका दुगुना नुकसान हमारा निश्चित है, कहने बिल्कुल सर, का मतलब ही है ऐसा। जी जी बिल्कुल।
सर थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें बहुत सारी मतलब अपने जीवन से जो संबंधित कहानियां थी प्रेरणादायक वो सुनाई और हमें इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिले। थैंक्स अ लॉट सर। आपका सभी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, आपकी चैनल का आभारी हूँ, आपका जो संगठन टेक असिस्टेंट जो संगठन आपका चलता है उसका भी आभारी हूँ। आप खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़े और पूरे इंटरनेशनल में आपका नाम हो, भारत का नाम हो। धन्यवाद धन्यवाद। सर, और हमारी भी यही दुआ है कि आपका बिजनेस पूरे विश्व में जो है वो अलग पहचान हाँ, किसी को भी कोई बनाए। भी प्रश्न हो तो अवश्य मुझे जी कॉल करना, और मेरा फोन नंबर भी है 9724768777। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो धन्यवाद। जिसका भी कोई भी डाउट हो, अगर किसी को कुछ भी टेस्टी डिशेस पकवान मंगवानी हो सर से, तो ऑफ कोर्स सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि सब लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और सबको बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा, और एक चीज जरूर सीखने को मिली होगी कि मुश्किलें तो आती रहेंगी लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न गिरकर न हार कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप हमारी इन कोशिशों को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी इन वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब लोग इससे बहुत कुछ सीख सकें। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।